कि जहां सपा का झंडा वहां सिर्फ गुंडा। डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने इतना सही फैसला किया कि बीजेपी, उन्होंने देखा कि वो एक पढ़े लिखे नेता है और उनको पता है कि अगर पढ़े लिखों की कद्र है तो बीजेपी में है, और अगर आगे आने वाले समय में कोई यहाँ घोसी लोकसभा का विकास करेगा तो अरविंद राजभर जी करेंगे और डबल इंजन की सरकार करेगी जी अध्यक्ष है। उसके बावजूद उनके भीड़, उनके रैली में बिल्कुल भी कोई संस्कार या कोई भी डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं जनता के बीच में रखते हैं। अगर आप अच्छाई की बात करते हैं और बुराई की बात करते हैं तो दोनों पक्षों की बराबर बात करनी चाहिए। देखिए आज डॉक्टर अरविंद राजभर जी यहाँ पर आ रहे हैं हम लोगों के बीच, हमारे असली नेता वही हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए, इंग्लिश में छोटी सी कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखिए जो अभी पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, जो चीजें दिख रही हैं, ये रतनपुरा में जो अरविंद राजभर जी, मोदी जी, योगी जी सभी लोग आ रहे हैं, पहले रतनपुरा के रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या थी, यहाँ के आसपास कभी 25 किलोमीटर के एरिया में ना कभी कोई 4 लेन दिखा, ना कभी कोई 6 लेन दिखा, क्यों नहीं दिखा? आज तक ये सरकारें नहीं थी, ये सरकारों के पास बजट नहीं था, सब कुछ था लेकिन लूटने के अलावा कुछ करने का समय नहीं था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की वजह से ना सिर्फ रेलवे में, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक चीज में एक युद्ध स्तर पर बदलाव दिख रहा है और ये बदलाव आगे भी जारी रहेगा। यूपी में और घोसी में, लोकसभा घोसी और विधानसभा मऊ में आगे आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी और 400 पार होना तय है और ये होकर रहेगा, क्योंकि यह गंगा, ये विकास की धारा है और यह धारा कभी नहीं रुकने वाली है, 2047 तक नहीं रुकने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग तो कह रहे हैं जो 4 लेन की आप बात कर रहे हैं, या 4 लेन तो अखिलेश यादव की देन है। 4 लेन अखिलेश यादव की देन, यहाँ कहीं मऊ के जिले के अंदर में कोई अखिलेश यादव का 4 लेन गया हो तो मैं चैलेंज से पूछना चाहता हूँ, अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके कितने लंबे समय के कार्यकाल में उन्होंने एक छोटी सी एक्सप्रेसवे बना करके और आज तक उस एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। अगर मोदी सरकार की बात की जाए, आज 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से हाईवे बनते हैं और 4 लेन नहीं 6 लेन बनते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि अगर इतने ही इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए तो 2014 के पहले क्यों नहीं दिखते थे? सबसे बड़ी बात है, यूपी में इतने सारे दंगे क्यों होते रहते थे? आज यहाँ लाखों की भीड़ आपके समर्थक देख रहे होंगे, आपके व्यूवर्स देख रहे होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा नाम शिवम प्रजापति है, मैं रतनपुरा का रहने वाला हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता, जो कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बावजूद उनके भीड़, उनके रैली में बिल्कुल भी कोई संस्कार या कोई भी डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता है। उनके समर्थक ही उनके ही रैली में भगदड़ कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति बताती है, उनकी गुंडाई बताती है। उनके समर्थक भी उनके सामने गुंडाई करते हैं और जब भी वो जीतेंगे तो पूरे के पूरे प्रदेश में दंगा ही दंगा होगा। समाजवादी पार्टी, सारे के सारे गुंडे हैं और इनकी ही पार्टी है। सपा का मतलब गुंडा होता है। मायावती ने भी बोला था कि जहां सपा का झंडा वहां सिर्फ गुंडा। डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने इतना सही फैसला किया कि बीजेपी, उन्होंने देखा कि वो एक पढ़े लिखे नेता है और उनको पता है कि अगर पढ़े लिखों की कद्र है तो बीजेपी में है, और अगर आगे आने वाले समय में कोई यहाँ घोसी लोकसभा का विकास करेगा तो अरविंद राजभर जी करेंगे और डबल इंजन की सरकार करेगी। और आगे आने वाले समय में, ये तो लोकल लीडरशिप की बात हो गई, लेकिन अगर इंटरनेशनल लीडरशिप की बात करें तो आगे आने वाले समय में POK हमारा होगा। जय श्री राम। देखिए वैकेंसियों के लिए मैं सीधा स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है। आप आज के डेट में आप तुरंत मऊ चले जाइए खादी ग्राम उद्योग ऑफिस पर, आपको राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आपको अपना खुद का बिजनेस चालू करने के लिए भी बहुत सारे लोन सुविधा उपलब्ध है, जिसमें राज्य सरकार आपको 25% अनुदान दे रही है और बिना किसी ब्याज दर के आपको लोन दिया जा रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 75,000 रुपए भरना है, 25,000 रुपए माफ, वो भी 75,000 बिना किसी ब्याज के भरना है। और अगर आप यही लोन केंद्र सरकार के माध्यम से लेते हैं
तो आपको 35% का अनुदान मिलता है। ये आखिर बताइए विकास नहीं है तो क्या है? ये गरीबों के लिए सोच नहीं है तो क्या है? अगर आप अपना खुद का रोजगार खोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं 4-6 लोगों को और रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी मतलब ही रोजगार होता है क्या? लोग आपको अंधभक्त कहेंगे मोदी अंधभक्त। कहने दीजिए, अगर इस देश के 85% जनता अंधभक्त है तो मैं गर्व से अंधभक्त हूँ। अगर इस देश के विकास का समर्थन अंधभक्ति है तो मैं गर्व से अंधभक्त हूँ। अगर इस देश के हित के लिए मोदी जी का सपोर्ट करना अगर अंधभक्त है तो मैं अंधभक्त कहलाने के लिए तैयार हूँ। उमड़ता हुआ हुजूम डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए ये मेवड़ी के रथ पूरा साफ सब लोगों को दिखाए। एक युवा की सोच और युवा की क्या सोचता है इस अरविंद राजभर के बारे में।